नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित रामी और आज के इस वीडियो में देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। वीडियो के एंड में मैं आपको डाउनलोड के लिए लिंक भी बता दूंगा। सबसे पहले मैंने पेन ड्राइव को ओपन किया हुआ है, देन जो भी जिप फाइल मेरे पास थी उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। उस एक्सट्रैक्ट फाइल में ऑटो रन करके एक फाइल होगी जिस पर मैंने डबल क्लिक किया। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो, इंस्टॉल करके एक बटन आता है, वहाँ पे क्लिक करना है, जिससे 65 जितने जो भी मॉड्यूल है वो प्रोसेस लेंगे एंड उसके बाद कुछ लोडिंग प्रोसेस होगी। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपको कुछ नेक्स्ट करके बटन दिख जाएगा, जो कि नेक्स्ट बटन तभी इनेबल होगा जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। फिर आपको यहाँ पे उसका लाइसेंस एग्रीमेंट जो होता है उसको कंप्लीट करने के लिए यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हो, नेक्स्ट बटन इनेबल हो जाता है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि फुल इंस्टॉल करना है, कस्टम इंस्टॉल करना है, ड्राइव चेंज करनी है, पार्ट चेंज करना है, क्या करना है। अगर आपको सब कुछ एज इट इज़ रख के उसको सेट करना है तो कुछ भी चेंज मत करो, आप डायरेक्टली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो, उसके जो भी मॉड्यूल्स होंगे वो लोड ले लेंगे एंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सारी प्रोसेस इंस्टॉलेशन के लिए स्टार्ट हो चुकी है और एक एक करके सारे मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहे हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर आपके सारे मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल होने के बाद आपको एक बार कंप्यूटर रिस्टार्ट ज़रूर करना है, जिससे जो भी मॉड्यूल की कॉन्फ़िगरेशन या भी रिडायरेक्शन हो वो प्रॉपर और अच्छे से इन्वायरमेंट में सेट हो जाए। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए आप इसको रन कर सकते हो। आप इसको रन करो तब जनरल सेटिंग सिलेक्ट करके इसको रन करना है, जिससे वो जनरल इन्वायरमेंट पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ना कि अदर इन्वायरमेंट पर वो रन हो। जैसे ही आप इसको जनरल इन्वायरमेंट पे सेट करके रन करते हो, आप देख सकते हो विजुअल स्टूडियो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ आप जब फाइल मेनू पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ASP.NET के टूल्स है वो भी है, C# रिलेटेड फॉर्म और वगैरह है वो भी है। ऐसे ही दूसरे जो मॉड्यूल आते हैं हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड, वो भी इसमें ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल आते हैं, यानी कि आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। फाइल में आप देख सकते हो ये सारे मॉड्यूल इसके साथ इनबिल्ट इंस्टॉल हो चुके हैं। आपको जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो आप यहाँ से सिलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना है तो गेट इन टू टॉप करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद यहाँ पे एक सर्च बार आता है, वहाँ पे आपको लिखना है विजुअल स्टूडियो। आपको जो भी वर्जन डाउनलोड करना हो उसका नाम लिख सकते हो। फिलहाल मैं 2010 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वो वाला वर्जन डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर और उसके इन्वायरमेंट मिल जाएंगे। आपको जो भी लेआउट चाहिए डेस्कटॉप लैपटॉप, उसमें आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो एंड उसके रिलेटेड आपको जो भी डाउनलोड करना है वो मिल जाएगा। उसके लिए जो लाइसेंस और टर्म्स होती है वो विजुअल स्टूडियो के रिलेटेड होती है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड फ्रीली कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल AR Infoway।